मिनट तो बाद एक बार फिर रेडियो चन्न परदेसे सुन रहे सारे ही सत्कारयोग पंजाबियों नू तुहाडे अपने दोस्त ते होस्ट गुरजीत सिंह वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब अते नमस्कार। मैं हाजिर हाँ जी तुहाडा अपना प्रोग्राम लैके शो गुरजीत दा। हुण गल करदे आं जी हर रोज़ की तरह सब तो पहला अपने पिछोकड़ इतिहास बारे। अज तारीख 1/3/2021 अज दे दिन पिछोकड़ इतिहास दे विच की कुछ वापरिया सब तो पहला मैं तुहानू उस तो जानू करा दा। 1640 दे विच ब्रिटेन नू मद्रास विच एक व्यापारक केंद्र बनाउण दी आग्या मिली। 1872 विच दुनिया का पहला राष्ट्रीय पार्क अमरीका विच स्थापित किया गया। 1909 टाटा आयरन अते स्टील कंपनी की स्थापना हुई। 1919 विच महात्मा गांधी ने रोलर एक्ट विरुद्ध सत्याग्रह चलाउण की इच्छा जाहर की। 1969 दे विच पहली सुपरफास्ट रेल राजधानी एक्सप्रैस नवी दिल्ली तो कलकत्ता तक चलाई गई। 2003 विच पाकिस्तान विच अधिकारियों ने खालिद शेख मुहम्मद नू गिरफ्तार किया जो मन्या जाता है कि अलकायदा का चोटी का मैंबर है अते जिसने 2001 तो विच 11 सितंबर नू अमरीका उत्ते अतवादी हमले की योजना बनाई सी। ये तो सीगा जी साडे पिछोकड़ के इतिहास वाल झाती। तो हुण गल करदे आं जी अज अपने प्रोग्राम दी। प्रोग्राम अज जिहड़ा सी करन लगे आं जी आपां किसी भी गली महल्ले शहर दे विच जां पिंड दे विच जदों रहिंदे हुंदे आं तां सब तो पहलां उस दे इतिहास बारे पुछिया जांदा है, क्योंकि जदों तक सानू अपने पिछोकड़ गली महल्ले जां अपने पिंड दे इतिहास दी जानकारी नहीं हुंदी तां असीं किते भी चले जाइए किते ना किते सानू इह सवाल दा सामना करना पैंदा कि तुसी अपने पिंड या अपने शहर के इतिहास तो जानू हो। तो अक्सर असी बहुत सारे लोग ये कह दें कि नहीं, पर असी कोशिश भी नहीं की होंगी उस इतिहास नू जानन दी, क्योंकि जेड़ा भी इंसान जिथे भी रहिंदा वो उस धरती के इतिहास तो जानू होना उस वास्ते सब तो ज़्यादा जरूरी होंदा, क्योंकि पिंड की पहचान या पिंड के इतिहास तो ही इंसान की पहचान होंदी है। तो अक्सर कई थां ते ऐ हुंदा भी कई पिंडां दे विच ते जा फिर कई शहरां दे विच कुछ इतिहासिक इमारतां ऐसियां हुंदियां ने जा फिर कई पिंडां विच ते जा शहरां दे विच कुछ ऐसियां इतिहासिक इमारतां हुंदियां ने जिन्हां इमारतां बारे सानू ज्ञान नहीं हुंदा, पर उस इमारत दा जदों असी पिछोकड़ इतिहास वल झाती मारदे आं फिर साडे रोंगटे खड़े हो जांदे ने कि असी भी इस शहर दे रहने वाले आं, क्योंकि उस तो पहला सानू ज्ञान नहीं हुंदा कि असी उस शहर दे विच रहने आं जिस शहर नू दुनिया दे विच एक वक्री नज़र दे नाल वक्री पहचान दे नाल वेख्या जांदा। तो फिर मैं भी सोचा जी क्यों ना अज का जिहड़ा प्रोग्राम है वो मैं अपने ही पिंड या अपने ही शहर के इतिहास तो शुरू करा। बठिंडे के जंगलों के ही कहा जाता कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने चुमका नामजद ताकतों को चुनौती दी सी अते लड़ाई लड़ी सी। आजादी संग्राम विच भी बठिंडा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। बठिंडा उत्तरी भारत की सब तो वड्डी अनाज मंडियों के विच एक है। तो बठिंडे विच ही बहुत वड्डा रेलवे स्टेशन है। इस दे नाल नाल बठिंडा बहुत ही तेजी रफ्तार दे नाल उद्योगिक व्यापार वल भी अपनी रफ्तार तेज कर रहा है। इत्थे पावर प्लांट, थर्मल रिफाइनरी अते खाद फैक्टरी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। तो बठिंडे की
सब तो वड्डी पहचान ते सब तो इतिहासिक धरोहर वो है जी इत्थों दा इतिहासिक किला, जिसनू अज किला मुबारक वजों भी जाणिया जांदा है। अज असी गलबात करांगे उस इतिहासिक किले जां फिर किला मुबारक दी। ते मैं तुहानू सारयां नू उस किले दे पिछोकड़ इतिहास वल लैके जाऊंगा, ते जिन्ना को उस इतिहास दी जानकारी मैं रेडियो चन्न परदेसी दे स्रोतियां वास्ते इकट्ठी करके लैके आया, उस दो मैं तुहाडे सारयां दे नाल सांझा करूंगा। ते जेकर तुसी भी किसे तरह दी किले मुबारक दी जानकारी रखदे हो जां बठिंडे दे किले दे इतिहास दी जानकारी रखदे हो तां साडे नाल जरूर जुड़ियो। रेडियो चन्न परदेसी ते जुड़ सकदे हो इन्हां नंबरां दे राही। नंबर नोट करो जी, यूनाइटेड स्टेट तो जुड़न वास्ते 815-676-0004। कैलीफोर्निया यूनाइटेड स्टेट का नंबर है जी 559-512-1128। वैनकूवर कैनेडा तो जुड़न वास्ते जी 778-819-6383। ऑस्ट्रेलिया तो जुड़न वास्ते 039-013-4419। होंगकोंग तो जुड़न वास्ते 817-0-01-36। यूनाइटेड किंगडम तो जुड़न वास्ते जी 3287-2145। कैनेडा का एक नंबर होर है जी 8676-750173। अते यूके का नंबर है जी 4433-099-81109। ये तो ने जी दुनिया भर के नंबर, तो हूँ भारत का नंबर है जी 9888-909-139। इन्हां नंबरां दे राही तुसी साडे नाल सांझ पा सकते हो ते प्रोग्राम शो गुरजीत दा दे विच जुड़ सकते हो। प्रोग्राम की शुरुआत करन तो पहलां आपां सुनदे हां जी एक गीत, फिर करांगे बठिंडे दे इतिहास की गलबात। आओ सुनदे हां सब तो पहलां ये गीत। तुसी इस वक्त बने हुए हो रेडियो चन्न परदेसी ते, ते गलबात चल रही है जी बठिंडे दे किले दे इतिहास की। बठिंडे का किला बठिंडे शहर के बिल्कुल विचकार स्थित है, जो तकरीबन 100 फुट ऊंचाई वाला है। किसी समय यह किला दुश्मनों वास्ते बहुत ही खतरनाक मनिया जाता सी, क्योंकि इस किले दे विच मौजूद अज भी पईयां ने वो इतिहासिक तोपां। ते मैं रेडियो चन्न परदेसी दे सारे स्रोतियों नूं दसूंगा कि यह तोपां किन्हां दियां सन। बठिंडे का इतिहास बहुत ही पुराना ते महत्वपूर्ण है। बठिंडा पुरातन समय विच हड़प्पा सभ्यता वाला प्राचीन हिस्सा कहा जाता है। इसकी एक वजह तो यह सी कि यह मुल्तान नूं जोड़न वाला वपारिक हिस्सा सी, अते दूसरी यह कि दिल्ली जाण वाले लोकां वास्ते आराम वाली राह जड़ी दरगाह वो भी यह बठिंडे का किला ही सी। हुण सवाल उठता है कि बठिंडे का किला मुबारक की कहानी कदों ते कित्थों शुरू हुंदी है। बठिंडे का किला देश के 3 प्राचीन किलों के विचों एक है। इस किले का निर्माण इन्हां दियां इट्टां दा प्रयोग किया गया है। वो इट्टां इसका इतिहास पिछोकड़ बयान कर दियां हन। ये इट्टां नूं कहिंदे ने कुशाण युग दे नाल जोड़िया जांदा है। इह सिंधु घाटी दे समय आबाद होया सी। लाहौर दे म्यूजियम दे विच इक लेख रख्या होया है जो अज भी मौजूद है, ते जिस विच लिखिया होया कि जिहड़ा यह किला सी। ते मैं सारे स्रोतियां नूं दसदा जी कि जिहड़ा यह लाहौर दे म्यूजियम दे विच लेख पिया है, ये बठिंडे दी हाजी रतन दरगाह दे विचों खुदाई दे समय मिलिया सी, जो जिस दे विच लिखिया कि 10वीं शताब्दी दे विच इस जगह दा नाम त्रिबंध पूरा हुंदा सी। राजे दा नाम सी शत्रुघ्न। फिर जदों सल्तनत काल आया तो इस जगह दा नाम त्रिबंध आखदे सन।
खलीफा मुहम्मद खान ने अपनी किताब हिस्टरी ऑफ पटियाला दे विच इस दा नाम बिक्रमगढ़ दस्या है। मुल्तान दे रस्ते विच बठिंडा अहम शहर हुंदा सी, ओ बहुत ही मुल्तान तो जदों कहिंदे उन्हां ने दिल्ली दे उत्ते हमला करना हुंदा सी तो इसे रस्ते दे राही जांदे सी। ते इत्थे इह जिक्र योग है कि दिल्ली दी सुरक्षा दा अहम रोल भी इस बठिंडे दे किले ने किता। हर एक शहर दे विच कोई ना कोई एक इतिहासिक धरोहर हुंदी है जिसनू असी देखदे हाँ, पर सानू उस दे इतिहासिक पिछोकड़ बारे बहुत घट ज्ञान हुंदा। उस इतिहास नू बड़े बड़े इतिहासकारां वल्लों किताबां दे विच लिखिया गया है ते जां फिर असी उस पिंड या उस शहर दे पुराने बजुर्गां दे नाल गल्लबात करिए तां ओह उस इतिहासिक धरोहर दी जानकारी सानू अक्सर दे दिंदे ने। पर अज दी जिहड़ी इह रफ्तार वाली जिंदगी है उस दे विच सानू टाइम ही नहीं लगता अपनी इतिहासिक धरोहरां बारे जानण दा, क्योंकि असी अपनी लाइफ नू इक नवें ढंग नाल जींदे आ ते जदों सानू कोई साडे इतिहास बारे पुछदा ते जां फिर साडे इतिहासिक बारे गल्लबात करदा फिर अक्सर ही असी हैरान हो जाने कि साडे शहर दे विच ऐसी जगह मौजूद है जिस दे उत्ते पूरी दुनिया पूरा मुल्क उस नू बहुत ही ज़्यादा माण ते सत्कार दे नाल देखदा। बठिंडे इतिहास की जां बठिंडे दे किले दे इतिहास की गल्लबात अगे जारी रखांगा जी। सुनदिया एक गीत, बिल्कुल जी, हर एक शहर हर एक गली मोहल्ले का इतिहास किते ना किते जुड़िया जरूर होया, वो साडे भारत का इतिहास है ते सानू अपने आप ते माण भी करना चाहिए कि असी उस इतिहासिक जगह दे नाल जुड़े हुए हैं। जिथे दिल्ली जाण वास्ते सब तो अहम रोल बठिंडे दा किला करदा सी तां उत्थे ही नाल सब तो पहला इस किले नू राजा दाब ने बनाया सी जिसने उस वक्त मिट्टी दा एक किला बनाया सी। ते पर हौली हौली जिवें जिवें समां अगे नू वधदा गया तरक्की करदा गया तां उस किले नू आले दुआले दीवार करके उस नू होर मजबूत कर दिता गया। तीसरी शताब्दी दे विच राजपूत राव पट्टी ने इत्थे आबादी कायम की जिस तो इसका नाम बठिंडा हो गया। फिर 11वीं शताब्दी दे विच महमूद गजनवी ने भारत दे उत्ते जदों 17 वार हमला किया उसने अपने शुरू दे हमलों तो ही हिंदू राजाओं तो इस किले नू जित लिया सी ते जिस करके उसका भारत का अगला सफ़र आसान हो गया, भाव कि वो जदों भी दिल्ली ते हमला करता तो इस किले दे विच आके अपना बसेरा करता। 12वीं शताब्दी दे विच पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज नू मुहम्मद गौरी तो बचाउन वास्ते इस किले नू अपनी अहम चौंकी बनाया सी, पर गौरी ने किसी तरीके नाल कब्जा करना चाहिया ते अखीर उसने तैयार द्वार तो फिर तैयारी करके पृथ्वीराज चौहान ते हमला किया ते उसने इस किले दे उत्ते कब्जा करिया। तराइन दे युद्ध तो बाद उस नू हरा दिता गया। इसे किले ने कई इतिहासिक लड़ाइयां भी वेखियां हन ते शायद इसे कारण मुहम्मद गौरी अते मुहम्मद गजनी इत्थे दिल्ली दी सल्तनत ते शाही राज चलाउण वास्ते बठिंडे दा किला जो हर वक्त ओह अपने समय मुताबक इस दे उत्ते आंदे जांदे सी ते ओह इस किले नू अहम रोल अदा करदे सी। 13वीं शताब्दी दे विच एक बार फिर बठिंडे दा किला चर्चा दा विशा बनिया जदों दिल्ली ते शासक करन वाली सब तो पहली औरत पाप रजिया सुल्तान ने इस किले विच कैद करके लिया गया। रजिया सुल्तान दे बारे मैं रेडियो चन्न परदेसी दे सारे ही स्रोतियां नू थोड़ा जिहा दसदा
कि रजिया सुल्तान कुतुबद्दीन ऐबक की कुड़ी तुर्कन खातून की कुड़ी सी। तुर्कन खातून का विआह कुतुबद्दीन ऐबक दे अपने एक गुलाम अलमस्त नाल करवाया ते अगो जाके ओह अलमस्त इसका राजा यानी कि बादशाह बनया। उस समय का बादशाह अलमस्त अते रजिया सुल्तान दे विच उस समय प्यार की गलबात किस तरह हुई हो ते जा फिर उन्होंने प्यार का इजहार किस तरह किया हो सुनते हैं इस गीत दे राही। अलमस्त ते रजिया दे प्यार की कहानी कुछ ऐसे गीत की जुबानी होगी। अलमस्त की मौत तो बाद तख्त का सारा भार रजिया सुल्तान के मोढ़िया ते आ गया। तो सारे स्रोतियां नूं मैं दसदा जी कि रजिया सुल्तान अपने आप नूं अपने राजभाग के सारे समय दौरान सुल्ताना नहीं अखवाउंदी सी, भाव कि वह अपने आप नूं हर वक्त एक सुल्तान व अखवाउंदी सी। ओह हर वक्त यानी कि बंदियां जां फिर मर्दां वांगू रहिंदी। उसने मुस्लिम औरतां जो पर्दा करदियां सन ओह भी कदे नहीं कीता। हर वक्त ओह बंदियां वांगू हाथी दी सवारी घोड़ सवारी तलवार अंदाजी तीर अंदाजी करदी रहिंदी। उस तो बाद उस दे मुस्लिम दरबारी इस गलबात तो बहुत ज़्यादा दुखी सन ते बहुत ही ज़्यादा वह परेशान हो गए सी। फिर दौर शुरू होया रजिया दे खिलाफ बगावत करन दा ते उस दे जिहड़े मुस्लिम दरबारी सी फिर उन्होंने हौली हौली उस दे खिलाफ बगावत शुरू की। उन्होंने कुछ बगावत दे नवे तरीके अपनाए। उन्होंने दरबारियों ने बठिंडे दे व्यापारियों दे नाल मिलके रजिया सुल्तान नूं हटाउण दी साजिश की। ते जदों रजिया बठिंडा दी बगावत नूं दबाउण वास्ते इसे किले विच आई फिर वह जंग विच बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह हार गई। उसके सारे वफादार सिपाही मारे गए। रजिया नूं इस तरह इसे किले दे विच बंदी बना लिया गया ते दिल्ली विच किसे तरीके नाल अफवाह फैला दी कि रजिया इस जंग दे विच मारी जा चुकी है। फिर राज चलाउण वास्ते उत्थों दे दरबारियां ने उसदे भरा बहरम नूं उत्थों दा राजा घोषित कर दिता। 16वीं शताब्दी दे विच जदों बाबर बठिंडे दे रस्ते राही दिल्ली जा रहा सी तां उस समय वह अपने नाल बहुत ही तादाद दे विच तोपां लैके आया सी ते जो तोपां उस समय दियां सब तो वधिया तोपां जो मन्नियां जांदियां सन ते उही तोपां अज मौजूद हन बठिंडे दे इस इतिहासिक किले दे विच। बहुत सारे राजियां ने इस किले दे विच अपना समा बतीत किया। समा पैन तो बाद पटियाले रियासत की शुरुआत करने वाले आला सिंह ने बठिंडे दे किले दे उत्ते जित प्राप्त की। 1731 दे विच पटियाले दे राजा अमर सिंह जी ने एक लंबी जंग तो बाद इस बठिंडे दे किले नू एक बार फिर जितया अते उस तो बाद पटियाला शाही घराने का यह आराम घर वजों जानिया जाता सी। ते इसे किले दे विच साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी भी अपनी चरण छो नाल इस किले नू नवाजिया। ते उस समय किले का नाम रख्या गया सी गोबिंदगढ़। उस किले दे इतिहास बारे भी मैं थोनू थोड़ा जा जानू कराऊंगा। किला
गोबिंदगढ़ का नाम किस तरह रख्या गया? कहिंदे मन्निया जांदा कि इस किले का निर्माण विलेपाल ने वंश दे विच कीता गया सी। 1754 ईस्वी विच इसे किले नू फुलकिया मुखी आला सिंह ने इस दे उत्ते जित प्राप्त कीती अते पटियाले दे राजे दे अधीन रहा, जद तक राजसी सियासतां भारत विच संपूर्ण नहीं मिल गईयां। ये किला उस स्थान ते बनिया होया है। इस किले दे विच 32 छोटे अते 4 वड्डे बुरज हन। एक चक्कर आकार दा इसका दायरा है। इस किले दियां दीवारां बहुत ही ज़्यादा मजबूत अते जानदार हन। इसना दी चौड़ाई लगभग 16 मीटर दी है अते ऊंचाई 30 मीटर। इस दे अंदरले चौंक तो मुंडेर तक रैप एक बहुत लंबी पौड़ी बनी हुई है। किले का जो मुख दरवाजा है वह पूर्व वल है अते मुख दरवाजे के उत्ते नोकदार सलाखा लगी हुई हैं। तो रेडियो चैनल परदेसी के सारे स्रोतियां नूं दसदा जी, कुछ समय तो जिहड़ा ये दरवाजा मैनू लगता भी उस समय का कल्ला यही एक इतिहासिक दरवाजा है जो जिसनों हर रोज़ रात नूं गुरुद्वारे की संगत वालों बंद किया जाता सी। पर पिछले कुछ समय तो किले की मुरम्मत चलन करके उसके दरवाजे नूं कंधा लगा के एक थां ते खड़ा कर दिता है, जाने कि उस दरवाजे नूं चलन तो बंद कर दिता ते उस दे अगे एक लोहे का छोटा जा दरवाजा लगा दिता तां जो उस वड्डे ते मजबूत दरवाजे नूं हर रोज़ खोलना अते बंद करना मुश्किल सी, ते जिस दे कारण उस दियां जिहड़ियां दीवारां दे उत्ते प्रैशर पैंदा सी ते उस दीवारां नूं गिरन तो बचाउण करके प्रशासन वालों यह फैसला लिया गया। ते मुख दरवाजे दे खब्बे पासे उपरली बुज़र दे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंधित गुरद्वारा साहब है जिसनों पटियाले दे महाराजा करम सिंह ने बनाया सी। ते इस किले दे उत्ते जो निशान साहब की स्थापना की सी वो पटियाला रेजीमेंट द्वारा दूसरे विश्व युद्ध दे विच अपनी जित दे उपरंत इस किले दे उत्ते निशान साहब चढ़ाया गया सी। गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल जुड़ियां कुछ गल्लां बातां इस किले दे नाल वो भी तुहाडे नाल सांझियां करूँगा जी। उस तो पहले सुनदे आ एक गीत। बिल्कुल जी, कहिंदे ने सानू हर वक्त अपने पिछोकड़ दे नाल जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि जिहड़ियां ये इतिहासिक धरोहर ने वो साडे बोर्ड दी छावां वांगू अज तक सानू इतिहास दे नाल जां साडी पहचान दे नाल जोड़ के रख्या है, जिन्हां तो असी अपने पिछोकड़ दा अंदाजा लगा सकदे कि उस समय किस तरह लोग अपना जीवन बतीत करते होणगे। ते जदों भी किले दे विच कोई भी लोग उस नूं देखण वास्ते आंदे तां उस दीआं दीवारां नूं जदों हथ लगांदे ने तां वो अहसास करते होणगे कि इह जिहड़ियां इट्टां ने अज तो किन्ने 2-3 हज़ार साल पुरानियां इट्टां अज भी उस तरह मौजूद खड़ियां ने, अपने इतिहास नूं दर्शाउंदियां होईआं। इसे किले दे विचों जी एक दिल्ली नूं सुरंग जांदी सी ते इसे किले दे विच एक बहुत बड़ी रसोई हुंदी सी, जिस रसोई दे विच कहिंदे ने 35,000 बंदियां दी रोटी बनदी हुंदी सी ते उस नूं लस्सी खाना दा नाम नाल जाणिया जांदा है। पर अज इस किले दे विच वो सारियां धरोहरां खत्म हो चुकियां ने। वो कमरे, वो बाग जिहड़े अंदर शाही महल दे हुंदे सी वो खत्म हो चुके ने। पर कुछ पिछले 10-12 सालां तो सरकार वल्लों इस दी मुरम्मत करके अंदरली जिहड़ी दिख है उहनूं बिल्कुल पुरानी दिख दे वांगू चमका दिता गया। ते हुण जिहड़े उस दे बाहरले गुंबद ने जो बहुत ही ज़्यादा वड्डे अते विशाल आकार दे ने, उहनां दी रिपेयर ते मेंटेनेंस दा काम शुरू किया गया। इस वास्ते सरकार वधाई का भी पात्र है, क्योंकि
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਰੋਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਵਜੋਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਭੁੱਚੋ ਅਤੇ ਭਾਗੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 21 ਜੂਨ 1706 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਜਦ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਚੱਲੋ, ਉਸ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪਾਈ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਓ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਓ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਜੰਗ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਗੁੰਬਦ ਜੋ ਫਰੰਟ ਗੇਟ ਕੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰੋਹਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਰਵਨ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ ਹੈ 219-670-4579 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾਓ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 8155-557-4991। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਵਨ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾਓ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੂਈ ਉਸੇ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰੋਹਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
फिर वह किते ना किते अपनी जिंदगी दे विच उस चीज़ां नू अमल करते ने ते किते ना किते उन्हां यादां नू ताज़ा करते ने भी असी भी उस इतिहासिक धरोहर का एक हिस्सा हाँ जिन्हां ने इस इतिहासिक धरोहर नू दुनिया दे विच एक वक्री पहचान दिती ते जिस धरोहर नू दुनिया दे विच वक्रे सन्मान दे वजों जाणिया जांदा है। समय की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। तुसी जिथे भी हो खुश रहो, अपने दे नाल रहो। जिंदगी जिंदाबाद। रब रखा। जांदे जांदे तुहाडे सारयां वास्ते एक गीत।